हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैपजेमिनी में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं कैपजेमिनी में आई वैकेंसीज के बारे में। कैपजेमिनी में जो वैकेंसी आया हुआ है, ये वैकेंसी आया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और ये जो वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका कि आपको ग्रेजुएट होना है फाइनेंस सेक्टर से, या फिर आपने एमबीए किया हुआ है अगर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो आप जो है इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से इसमें स्किल्स मांगा गया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सो इसमें जो स्किल जो मांगा गया है वो है आपको रिपोर्टिंग करने आना चाहिए, आपको फोरकास्टिंग करने आना चाहिए, बजटिंग आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए और आपके पास एक एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। और एक जो बेसिक स्किल्स होता है जो कि हर एक एम्प्लॉय में मांगता है कोई ना कोई भी कंपनी, और वो है कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए सभी लोगों के साथ कि आप जो है किसी भी परिस्थिति में आप कोऑर्डिनेट कर सके, कभी भी हड़बड़ाए ना, आप साथ समय के साथ चले, तो ये इसमें स्किल्स मांगा गया। और जो सेकेंडरी स्किल्स है यानी कि जो टेक्निकल स्किल्स है वो आपसे मांगा गया कि आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ईआरपी का, और आपके पास जो है एक्सेल का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि एक्सेल कैसे परफॉर्म करते हैं। एक्सेल में ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग आना चाहिए, आपको एक्सेल में जो उसके फंक्शंस होते हैं वो इसमें डिजायरेबल मांगा गया है। और साथ ही साथ आपको वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, और आपको साथ ही साथ जो है डेटा जो मैनेज करना वो आपको आना चाहिए कि आप डेटा को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, सेव करके कैसे रख रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं। आप जो है उस पूरे ऑफिस वर्क को, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी वर्क होता है वो सारी चीजों का आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, तो ये इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट का इसमें कोई भी ऐसा जानकारी नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कि आप अगर ये नॉलेज आपके पास है, ये स्किल्स है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें जो पोस्टिंग होगी आपकी ये पुणे में होगी, पुणे में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया में भी रख देंगे ताकि आप उससे डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सके। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपके अप्लाई करने के साथ ही ये स्टार्ट हो जाएगा। देन आपके जो सर्टिफिकेट है एंड आपका जो नॉलेज है उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बेस पर और अगर उन्हें लगा तो वो स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं, स्किल टेस्ट नहीं तो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका जो सिलेक्शन है इस पोस्ट में हो जाएगा। जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री मिलेगा, और जो ये सैलरी होगा ये टोटली डिपेंड होगा आपके इंटरव्यू पे। इसका मतलब आप जो है अपनी सैलरी को जितना चाहे आप अपने हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से आप उसे पा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करते रहिए, सेम नेम के साथ, सेम लोगों के साथ।